एग्जैक्टली के 9 से लेके के 1 तो ये फर्स्ट सीजन है एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग शो जिसका कॉन्सेप्ट इतना अमेजिंग है कि बहुत खुशी महसूस हो रही है इसका पार्ट बनने के लिए. एंड थैंक्स टू हर्ष, थैंक्स टू कलर्स कि BBC जिन्होंने हमें इसका पार्ट बनाया, मुझे ऑफर किया शो. एंड इट्स अमेजिंग, इट्स किलर, इट्स समथिंग एनीबडी वुड लाइक लव टू वॉच इट. सो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसको देखने में. खतरों के खिलाड़ी में भारती और हर्ष ने जितना लोगों को रोस्ट किया था, जितना मजाक बनाया था, फिर से एक बार मतलब किसी ने मन नहीं भरा कि दोबारा. बट यहाँ पे तो लगाम हमारे हाथ में भी है ना. वहाँ पे भी जब वो बोलती तो पूरा जवाब मिलता था, बट यहाँ पर तो हम करवाएंगे एंड ऐसा करवाएंगे कि हिला देंगे. तो यहाँ पे सब बराबर है, यहाँ सबकी लगने वाली है, कोई बचेगा नहीं, कोई बच के नहीं जा सकता इस शो में. इट्स ये एक ऐसा शो है कि हार मनवानी है तुम्हें बस, तो देख लो कितना गिर सकते हो. गिरवा सकते हो, सब तुम्हारे हाथ में. हर्ष ने जैसे कि कहा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है, जो भी है वो आपको खुद से करना, तो कितना डिफिकल्ट नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि सब इंस्टेंट माइंड में जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है. तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी इंसान को लाइफ में ट्राई करनी चाहिए यार. क्या है, स्क्रिप्ट पढ़ना इट्स अ नॉर्मल लाइफ हमारे लिए बन गया था कि हर दिन आना, स्क्रिप्ट पढ़ना, करना वही करना. बट यहाँ पे क्या है कि वो तुम्हें पता है कि तुम क्या करने वाले हो, जो बेस्ट है. मेरे सामने वाले को नहीं पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ. मैंने सोच के रखा होता है कि मैं भारती के साथ आज क्या करवाने वाला हूँ, मैं हर्ष को आज क्या करवाने वाला हूँ, मैं विकास को क्या करने वाला हूँ, रिद्धिमा, आदित्य. तो वो दिमाग में चीज़ होती है एंड आई थिंक वो जितना अंदर ही रहे उतना रियल है. लिटरली हम सबको भी आपस में नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं. तो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है शो का वही है. रियल लाइफ में मैं सच बताऊँ, मैं कभी चिढ़ता नहीं क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा प्रैंकस्टर हूँ. मैंने बचपन से घर वालों को, स्कूल में टीचर्स को, मैं 4 बार स्कूल से निकाला गया हूँ, नॉट सस्पेंडेड, इन्वेस्टिगेट कर दिया है मुझे बिकॉज ऑफ प्रैंक्स. मैंने बहुत गंदे गंदे प्रैंक किए अपने सीनियर्स पे, जूनियर्स पे, बच्चों पे, टीचर्स पे, घर वालों पे, सेट पे, एक्टर्स के साथ, सबके साथ बहुत प्रैंक करने मज़ा आता है. एंड देखिए मेरी किस्मत कि मुझे शो आज करना पड़ रहा है प्रैंक्स पे, तो ये एकदम मेरे लिए बना था. देखिए मैं प्रैंक करता हूँ ना, तो मेरे सामने कौन बैठे होते हैं, मेरे इंस्टेंट माइंड में आता है, मैंने इन सबके साथ किया हुआ है, मुझे मज़ा आता है. बट हाँ, मैंने कभी किसी अपनी बड़ी उम्र वाले के साथ, ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा करने में, मैं अपनी मम्मा जो मेरे शो में मेरी माँ बनते थे, मिसेस बल्ला, उनके साथ मैंने बहुत प्रैंक किए, बहुत ज़्यादा किए. वो बहुत गुस्सा भी हुई, 3-4 बार सेट से भी चली गई. बट उसके बाद स्टिल मैंने फिर प्रैंक किया उनके साथ. तो कभी कभी किसी के साथ प्रैंक करने में ना मज़ा आता है कि कभी कभी इरीटेट होता है तो और मज़ा आता है. बट एट द एंड ना कहीं उनको भी लगता है कि यार ये फ़न हो रहा है. तो या प्रैंक ऐसा करो कि जिसमें इंसान को मज़ा आए, दिल ना दुखे. सो यहाँ पे दिल क्या, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ये तो शो ही वैसा है कि यहाँ पे बस गिरवाना अगले बंदे को. जो टाइम स्लॉट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट इस शो के लिए 6 बजे का जो स्लॉट मिला है, आपको लगता है इससे TRP हाई होगी? देखिए स्लॉट, टाइम स्लॉट से ना, मैं सच में बताऊँ तो टाइम स्लॉट से आज के ज़माने में फ़र्क नहीं पड़ता. यू नो वाई? क्योंकि आप कोई भी टाइम स्लॉट देखो, काफ़ी शोज़ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे टाइम स्लॉट पर 3-4 महीने में बंद हो रहे हैं. एंड वंस अपॉन अ टाइम ही बोलूँगा, क्योंकि 5 साल पहले जब हमारा शो ये है मोहब्बत आया था, वो 11 बजे के टाइम स्लॉट पे था. एंड 11 बजे के ऐसा टाइम स्लॉट है जिसपे रिपीट चलता है. एंड उस टाइम पे, तब टाइम स्लॉट पे व्यूअर नंबर 2, जिस वजह से हमें फिर 7:30 लाया गया था. एंड अगर हम कुछ भी हो सकता है तो इट्स 6 PM, क्या पता हमें इस टाइम स्लॉट को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि इसके सामने लोगों को शो लाने पड़े. सो यू नेवर नो, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेंट, तुम क्या दे रहे हो लोगों को और पसंद क्या आ रहा है. तुम्हारी एक जनता बन जाती है, अगर तुम्हारी 1.5 की भी TRP आ रही है और वो उतनी ही रह रही है, इतनी तुम्हें लोग देख रहे हैं, तो इट्स टाइम स्लॉट बनाना शो के हाथ में और एक्टर के हाथ में. सो लेट्स सी.
जहाँ ये है मोहब्बती की बातें हो रही हैं, वहीं सुनने में ये आ रहा है कि ये ऑफ ईयर जा रहा है, क्या कहेंगे आप? और ये शो जब ऑफ ईयर जाएगा आप कितना मिस करेंगे? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा करूँगा। पहले तो यही बोलता हूँ कि ऑफ ईयर ना ही हो तो अच्छा है, बट अगर हो भी जाता है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर दिल के करीब रहेगा एंड वन ऑफ माई फेवरेट शो हमेशा एंड बेस्ट शो एंड मेरे क्या सबके दिल के करीब रहेगा वो शो।